नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ी लोक पर्व एवं त्योहार। वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक पर्व एवं त्योहारों से सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो देखते हैं हम छत्तीसगढ़ी त्योहारों को। तो छत्तीसगढ़ी त्योहार अथवा लोक पर्व को समझने के लिए, इनको पढ़ने याद करने के लिए आपको जो है हिंदी के महीनों के नाम याद रखना जरूरी है। उनकी प्रकृति कैसे होती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इनके विषय में जानना जरूरी है। तो देखते हैं हम पहले हिंदी के महीनों को। हिंदी के महीने जो कि चैत्र मास से शुरू होते हैं। ये जो चैत्र महीना कब से शुरू होता है, 21 अथवा 22 मार्च से, जो कि पहला महीना होता है। चैत्र के बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, फिर क्वार, क्वार को ही अश्विन कहा जाता है, फिर कार्तिक, फिर अघन, फिर पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन। फाल्गुन जो है सबसे आखिरी महीना है। याद रखना है आपको, सबसे पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना जो होता है फाल्गुन। मैं यहां लिख देता हूं, आखिरी महीना है फाल्गुन, सबसे पहला चैत्र, आखिरी फाल्गुन। चैत्र मास कब से शुरू होता है, तो मार्च महीने के 21 अथवा 22 मार्च से, याद रखेंगे। अब देखिए, हिंदी के जितने भी महीने हैं, सभी महीने जो है दो पक्षों में बटे होते हैं, दो पक्ष अथवा दो भागों में बटे होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। देखते हैं क्या है कृष्ण पक्ष, क्या है शुक्ल पक्ष। इससे पहले हम देखते हैं पूर्णिमा और अमावस्या। आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो कि सदैव घटता बढ़ता रहता है, मतलब कि उसका जो आकार है एक समान नहीं रहता है। कभी वो पूरा गोल दिखता है, तो कभी वो अदृश्य हो जाता है, मतलब कि घटता बढ़ता रहता है। तो देखिए, जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखता है, पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखता है, और अमावस्या के दिन जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो इसी से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समझेंगे। तो देखिए, ये पूरा गोल दिखता है पूर्णिमा के दिन, फिर अमावस्या को अदृश्य हो जाता है। तो देखिए, कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि जब चंद्रमा घट रहा होता है, मतलब कि वो पूरा गोल है, पूर्णिमा के दिन पूरा गोल है, मतलब पूरा दिख रहा है, उसके अगले दिन से जो है वो थोड़ा सा कम दिखेगा, ऐसा दिखने लगेगा, फिर उसके अगले दिन से थोड़ा कम दिखने लगेगा, मतलब क्या, वो घटने लगेगा। तो जब ये घटता है तो उसको क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, जो कि कहां तक चलेगा, जब तक कि वो पूरी तरह से अदृश्य ना हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। उसके बाद जब चंद्रमा, मतलब जिस दिन अमावस्या होता है, मतलब कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, अदृश्य होता है, उसके अगले दिन से फिर चंद्रमा जो है थोड़ा सा दिखने लगता है, मतलब कि धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है। तो जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, याद रखेंगे। इस तरह से अगर देखें तो पूर्णिमा के दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा दिखता है, उसके दूसरे दिन से फिर चांद घटने लगता है, मतलब कि कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है, और अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष शुरू होता है। या फिर इसको हम उल्टा कह सकते हैं कि जो कृष्ण पक्ष है वो अमावस्या के दिन समाप्त होता है, और जो शुक्ल पक्ष है वो पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। तो याद रखना है आपको, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों जो है 14-14 दिन के होते हैं, और पूर्णिमा और अमावस्या को मिला दे तो दोनों 15-15 दिन के होते हैं। अब इनकी गणना कैसे की जाती है, मतलब कि हिंदी महीनों में जो तिथि का गणना कैसे किया जाता है, तो वो एक दो तीन इस तरह से नहीं किया जाता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कैसे कहेंगे। जैसे पहला महीना हम ले लेते हैं चैत्र, तो अब चैत्र महीना का जो मान लो कि चौथा, मतलब 4 तारीख, चैत्र महीने का 4 तारीख को हमको बताना है, वो भी कृष्ण पक्ष का। तो देखिए कैसे बोलेंगे हम, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष चतुर्थी, चैत्र मास का कृष्ण पक्ष चतुर्थी। अगर यही चौथा, मतलब ये जो 4 तारीख जो है शुक्ल पक्ष का होता, तो इसको कैसे कहते, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी। अगर कृष्ण पक्ष का होगा तो चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी, ऐसे बोलेंगे हम, याद रखेंगे इन सब चीजों को। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी लोक पर्व। सबसे पहला है चैत्र मास, साल का सबसे पहला महीना होता है, जो कि कब से शुरू होता है, मार्च महीने के 21 या 22 तारीख से। तो देखिए, चैत्र मास में केवल और केवल एक ही पर्व आपको याद रखना है, वो भी कब मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में, मतलब कि कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है चैत्र मास में।
मैंने इसको अलग अलग बांट दिया है दोनों को, ताकि आपको जो है इन त्योहारों को समझने में, याद रखने में आसानी हो सके। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, केवल शुक्ल पक्ष नवमी में है रामनवमी। तो याद रखना है आपको, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी में रामनवमी। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि रामनवमी कब मनाया जाता है, तो आपको क्या लगाना है, चैत्र मास में, अगर ये पूरा दिया रहे कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी, तो आंसर ये होगा। याद रखना ये तिथि है, मतलब कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9 तारीख को क्या मनाया जाता है, रामनवमी। उसके बाद अगला महीना देखते हैं, बैसाख। बैसाख महीना, अब देखिए जो चैत्र महीना है वो मार्च और अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि 21 और 22, 21 अथवा 22 मार्च शुरू हो रहा है तो वो अप्रैल तक चलेगा। तो चैत्र महीना मार्च और अप्रैल, उसके बाद बैसाख, ये जो है अप्रैल और मई तक चलेगा। बैसाख महीना में भी कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, सीधा जो है शुक्ल पक्ष में है। तो कब है, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है अक्षय तृतीया। याद रखेंगे, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को ही अक्ति के नाम से जाना जाता है, आखा तीज भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये किसानों का त्योहार ही है, तो इस पर्व को मनाने के बाद किसान बीज बोने का कार्य शुरू करते हैं। याद रखेंगे, बीज बोने का कार्य शुरू किया जाता है अक्षय तृतीया के बाद। इसमें जो है पुत्रा पुत्री का विवाह किया जाता है इस पर्व में, याद रखेंगे पुत्रा पुत्री का विवाह। उसके बाद अगला महीना है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीना मतलब मई और जून, मई और जून दोनों में ये ज्येष्ठ महीना पड़ता है। तो इसमें केवल एक पर्व आपको याद रखना है, गंगा दशमी, जो कि सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। गंगा नदी के धरती में अवतरित होने की याद में ये पर्व मनाया जाता है, गंगा दशमी। लेकिन एक चीज जो है मुझको नहीं मिल पाया कि ये गंगा दशमी कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है कि शुक्ल पक्ष में, ये जो है मुझसे नहीं मिल पाया। बस आप इतना याद रखेंगे तो भी काफी है कि ज्येष्ठ माह में गंगा दशमी मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो सरगुजा क्षेत्र में। उसके बाद है आषाढ़। आषाढ़ जो कि जून और जुलाई में पड़ता है आषाढ़। तो आषाढ़ मास में भी देखिए कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, सीधा शुक्ल पक्ष में है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया में मनाया जाता है रथ यात्रा। देखिए जो ओडिशा में जगन्नाथपुरी है वहां रथ यात्रा मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा मनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर में जो है रथ यात्रा गोंचा के नाम से मनाया जाता है, गोंचा, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 महीने हो गए, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो ये जो शुरू के जो 4 महीने हैं उनमें कृष्ण पक्ष में कोई भी त्योहार नहीं है। अगर ये चीज आप याद रखते हो तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। मात्र आपको 4 त्योहार देखने हैं शुरू के 4 महीनों में। ये गंगा दशमी को सिर्फ ज्येष्ठ याद रखेंगे, ज्येष्ठ गंगा दशमी आसान रहेगा। तो देखिए मतलब शुरू के 4 महीने में कोई त्योहार नहीं कृष्ण पक्ष में, केवल शुक्ल पक्ष याद रखना है। अब देखते हैं सावन। सावन महीना जो कि जुलाई और अगस्त महीने में पड़ता है। तो अब देखिए सावन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है हरेली। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है हरेली कब मनाया जाता है, सावन अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो सावन अमावस्या को मनाया जाता है हरेली, जो कि किसानों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, और इसको जो है साल का पहला त्योहार माना जाता है। इसमें क्या होता है, जो किसान, उनके पास जो भी औजार होता है, जो भी उपकरण होता है कृषि संबंधी हो और दूसरे जो भी औजार उनके पास होता है, उनकी वो पूजा करते हैं हरेली, याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, ये जो हरेली है बस्तर क्षेत्र में अमूस के नाम से मनाया जाता है। हमने देखा था जनजातीय पर्वों में अमूस, तो याद रखेंगे हरेली को बस्तर के जनजातियों द्वारा अमूस के नाम से मनाया जाता है। तो सावन महीने के जो कृष्ण पक्ष में है वो केवल एक ही त्योहार याद रखना है। उसके बाद है सावन महीने के शुक्ल पक्ष में देखते हैं। तो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी, याद रखेंगे नाग पंचमी। अच्छा नाग पंचमी से एक चीज याद रखेंगे कि इसमें जो है कुश्ती का आयोजन किया जाता है, कुश्ती। उसके बाद है सावन, सावन मास का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, इस दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन, याद रखेंगे। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, सावन मास के पूर्णिमा को रक्षाबंधन। तो ये था सावन मास। उसके बाद है भाद्रपद। भाद्रपद जिसको कि भादो भी कहा जाता है, तो भाद्रपद मास का जो प्रथमा, कृष्ण पक्ष प्रथमा, मतलब कि जैसे पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया गया, तो उसके ठीक दूसरे दिन, तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है भोजली,
इस दिन जो है भोजली का विसर्जन किया जाता है। इससे संबंधित एक गीत आपको याद रखना है, वो पूछा गया है, अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। उसके बाद है भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष षष्ठी, षष्ठी मतलब 6, 6, तो भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है हल षष्ठी। हल षष्ठी को कमर छठ भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो माताएं होती है अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। याद रखेंगे हल षष्ठी में माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं। कब मनाया जाता है, तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष षष्ठी को। उसके बाद है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी, इस दिन मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को पता है कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी का बर्थडे मनाया जाता है इस दिन। तो कब मनाया जाता है वो आपको याद रखना है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को। उसके बाद है भाद्रपद अमावस्या, इस दिन मनाया जाता है पोला। देखिए ये जो त्योहार है, जैसे अक्षय तृतीया हो गया, हरेली हो गया, उसके बाद पोला, ये जो है किसानों का त्योहार है, तो इनको आप विशेष याद रखेंगे, ऐसे ही सब अधिकतर पूछा जाता है। तो भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है पोला, जो कि किसानों द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, बैल की पूजा की जाती है, मिट्टी से बने बैल की पूजा की जाती है, और इस समय जो है बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। अब एक चीज नोट करेंगे कि ये जो पोला है, इसको जो है जो जनजातीय क्षेत्रों में नवाखाई के नाम से मनाया जाता है। याद रखेंगे हरेली को मैंने बताया अमुस के नाम से, और जो पोला है उसको नवाखाई के रूप में मनाया जाता है जनजातीय क्षेत्रों में। अब देखते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाले त्योहार। तो देखिए पहला है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया में मनाया जाता है तीजा, तीजा जिसको कि तीजिया भी कहा जाता है, और हरतालिका भी। याद रखेंगे ये कब मनाया जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया में। इसमें क्या होता है, पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है तीजा में, एक तरह से करवा चौथ जैसा होता है, आपसे भी पता ही होगा। उसके बाद है भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, पता है आप सभी को गणेश चतुर्थी के विषय में। अब देखते हैं क्वार महीना में मनाए जाने वाले त्योहार। क्वार महीना को ही अश्विन कहा जाता है, याद रखेंगे। तो देखिए ये जो क्वार महीना है, इसका जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा का पूरा होता है श्राद्ध पक्ष, मतलब कि जो हमारे जो पितर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनके लिए पूजा किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, श्राद्ध पक्ष अथवा पितर पक्ष। तो ये जो क्वार महीना का जो कृष्ण पक्ष है पूरा का पूरा श्राद्ध पक्ष, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वार महीना का शुक्ल पक्ष। तो क्वार महीने के शुक्ल पक्ष में प्रथमा से लेकर नवमी क्या मनाया जाता है, नवरात्रि। याद रखेंगे क्वार महीना के शुक्ल पक्ष प्रथमा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है नवरात्रि। उसके बाद क्वार महीना के शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है विजयादशमी, मतलब कि दशहरा मनाया जाता है। और इसी समय जो है बस्तर क्षेत्र में बस्तर का दशहरा होता है, जिसमें रथ चलाया जाता है, मतलब कि रथ यात्रा होता है। उसके बाद है क्वार माह का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, क्वार मास का पूर्णिमा को मनाया जाता है शरद पूर्णिमा, याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कार्तिक, कार्तिक महीना, तो कार्तिक महीना में जो त्योहार मनाए जाते हैं, देखते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदश में मनाया जाता है धनतेरस, मतलब कि दीपावली के एक दिन दो दिन पहले जो मनाया जाता है धनतेरस, वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदश को, याद रखेंगे धनतेरस। इसमें क्या होता है, कुछ भी सामान खरीदा जाता है, जैसे बर्तन, गहने, आजकल तो लोग मोबाइल, गाड़ी, टीवी, ये सारा कुछ खरीदने लगे हैं, तो याद रखेंगे ये कब मनाया जाता है, तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदश को। उसके बाद अगला है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, मनाया जाता है नरक चतुर्दशी। इसके बाद कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है दीपावली। आप सभी को पता है दीपावली क्यों मनाया जाता है, बस आपको ये याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को। अब देखते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रथमा को मनाया जाता है गोवर्धन पूजा, अर्थात कि ठीक दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, जिसमें गौ माता की पूजा की जाती है, उसकी सेवा की जाती है। और एक चीज नोट करेंगे कि दीपावली के दूसरे दिन, अर्थात कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रथमा, अर्थात जिस दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, उस दिन जो है बस्तर में दियारी मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद है द्वितीया, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष द्वितीया, इसको मनाया जाता है भाई दूज, ये भी पता है आपको क्या होता है भाई दूज।
उसके बाद है एकादशी, कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष एकादशी, इसको मनाया जाता है देवउठनी। देवउठनी जिसको कि छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है गन्ना की पूजा की जाती है, गन्ना याद रखेंगे। उसके बाद है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवला की पूजा की जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम अगहन महीना, अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा किया जाता है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे दीपावली के बाद अगला महीना होता है उसमें जो है प्रत्येक गुरुवार को घरों के बाहर रंगोली मनाया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो वो क्या होता है प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा, किस महीने में अगहन महीने में। अब देखते हैं पौष मास में मनाए जाने वाले पर्व, तो देखिए पौष मास में भी कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, सीधा शुक्ल पक्ष, तो पौष मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है मकर संक्रांति। मालूम है आप सभी को मकर संक्रांति, तो ये कब मनाया जाता है तो पौष मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को। इसके बाद है पौष पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा, याद रखेंगे छेरछेरा, मैं बता चुका हूं छेरछेरा के बारे में, तिथि आपको याद रखना है पौष पूर्णिमा छेरछेरा। माघ महीना, तो देखिए माघ महीना में भी कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं, सीधा शुक्ल पक्ष में, तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है बसंत पंचमी, अर्थात की सरस्वती पूजा। उसके बाद है फाल्गुन, फाल्गुन जो कि साल का आखिरी महीना होता है, ये कब खत्म होगा मार्च महीने, मार्च महीने के 20 या 21 तारीख को समाप्त होता है। तो देखिए फाल्गुन महीना का जो कृष्ण पक्ष होगा उसमें भी कोई त्योहार नहीं, सीधा शुक्ल पक्ष में, तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। उसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन। इस प्रकार जो होली कब मनाया जाता है तो वो चैत्र मास की प्रथमा को होली मनाया जाता है, याद रखेंगे। देखिए फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन मतलब कि होली जलाया जाएगा, उसके ठीक दूसरे दिन बाद कृष्ण पक्ष शुरू होगा चैत्र मास का, तो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष प्रथमा को होली मनाया जाएगा। तो ये थे छत्तीसगढ़ी लोक पर्व। एक चीज याद रखिएगा कि जो मैंने बताया कि जो शुरू के जो चार महीने हैं चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, उसमें हमने देखा कि जो कृष्ण पक्ष है उसमें कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा रहा है, सिर्फ जो है शुक्ल पक्ष में त्योहार मनाए जा रहे हैं। उसके बाद जो आखिरी के चार महीने हैं अगहन पौष माघ फाल्गुन, इन चारों महीनों में भी हमने देखा कि जो कृष्ण पक्ष है उसमें कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष में ही त्योहार पड़ रहे हैं। लेकिन जो बीच के जो चार महीने हैं सावन भाद्रपद क्वार और कार्तिक, इनमें जो है सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जा रहे हैं और इन्हीं से ही अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे आप जो है बीच वाला को विशेष करके ध्यान से पढ़ेंगे, सावन भाद्रपद क्वार कार्तिक, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ही त्योहार पड़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो भी त्योहार मनाए जाते हैं, आप जो है इसको जहां भी लिखे उसके नीचे जो है एक अलग से लिख ले अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो देखते हैं हम, तो अमावस्या के दिन देखिए सावन अमावस्या को हरेली मनाया जाता है, भाद्रपद अमावस्या को पोला मनाया जाता है और कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाया जाता है। हो सकता है कि कभी ऐसा प्रश्न पूछ दे कि अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है, या फिर पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है नहीं मनाया जाता है, तो आप जो है इनको भी एक बार अच्छे से देख लेंगे। पूर्णिमा के दिन देखते हैं तो सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन, कुमार पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है आंवला पूजा, उसके बाद पौष पूर्णिमा को छेरछेरा और फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन। तो ये थे छत्तीसगढ़ी लोक पर्व एवं त्योहार। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।